हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आया हूँ अपने गांव में, और गांव में क्या, अपने नानी के गांव में। तो आज आपको गांव दिखाता हूँ मेरी नानी का। देखिए, ये होता है गांव, मतलब खेत खलियान आसपास में ही, और पूरा गांव देखिए। ये वहाँ से लेके और यहाँ तक सारा हमारे नानी का गांव घर है। ये पुराने घर हैं, ये पुराने घर हैं, ये बनाए हैं, और इधर भी इसमें गाय बंधी हैं, छप्पर पड़ा हुआ है पुराना। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, जब हम आते थे छोटे छोटे खाली था सब कुछ। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट अलग ही सुनाई देती है। और ये हमारे मामा का कालू है। कालू कालू, बस बस बस, सो जा, गलती कर दिया यार, उठा के गहरे नींद में सो रहा था। सो जा बेटा, सो जा। ये बहुत वफादार है बंदा, यहाँ छत पे खड़ा रहेगा, किसी अजनबी आदमी को आने नहीं देगा इधर। कालू बैठ जा, बैठ बैठ जा, बस सो जा सो जा। देख रहे हो, और ये इधर भैंस बंधी है, उधर गाय बंधी है, और गाय ये भी रही इधर भी। गांव इधर को जाता है, अंदर को भी है। ये इधर का व्यू अच्छा लगता है वैसे। देखो ये सब पीछे, इधर सारे खेत हैं, घरों के पीछे सब खेत हैं। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं वैसे यहाँ पर, और हम छोटे छोटे ज़्यादातर आते थे, छुट्टियों वगैरह में आते थे, और नाना नानी ले जाते थे हमें वहीं से, घर से आके। लेकिन अब तो यहाँ कुछ नहीं, बस सब बड़े हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए, कोई इतना ध्यान देता ही नहीं। ये सब जगह खाली थी पहले, कुछ भी नहीं था, ये सामने कुछ भी नहीं था, इधर ये सब खाली था, ये सब खाली था। इतना अच्छा जी लगता था यहाँ पर पहले, बहुत ज़्यादा। अब खैर, अब जी क्या, आप तो किसी को इतना टाइम ही नहीं है। ये ट्रैक्टर खड़ा है, इधर गायों का चारा वारा है, मशीन है, जो भी है, अलग ही है। और गांव की ज़िंदगी मज़ा है, अच्छा मन लगता है। बिजनौर का ये है फाटक, जिसके 28 दर हैं, वो रहे 28 के 28 दर। और ये है यहाँ का बैराज बोलते हैं इसको, 28 दर। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हम अभी गाड़ी से रुके हैं अपनी नानी के यहाँ से निकलते हुए, तो हम इधर आए हैं। देख रहे हो, ये देखिए बहुत पानी है, और पीछे जो ना ये दर बंद कर रखे हैं अभी, फाटक जो होते हैं उधर पानी बहुत अभी ऊंचा है उधर, इधर तो कुछ भी पानी नहीं है। उधर का भी अभी दिखाऊंगा, उधर जाऊंगा अभी तो उधर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए पानी ही पानी दूर दूर तक,